पाकिस्तानियों से मिल लो, ये लोग बड़े दुर्लभ हैं हमारे लिए। आज तो पड़ोसन बादाम खिला रही है पाकिस्तानी पड़ोसन। मोहतरमा लाहौर से है जहाँ कभी हमारा कब्जा हुआ करता था। कब्जा हुआ करता था, कब कब्जा हुआ था, ऐसे इसको बातें खुद छेड़ दी भाई मैंने, अब शुरू होगी। नमस्ते इंडिया, वेलकम इन टर्की। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस्तानबुल में हूँ भाई फिलहाल मैं, और इस्तानबुल से अंकारा जा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन पे हूँ इस्तानबुल में, और मुझे नॉर्मल टिकट पड़ी है 430 लीरा की। थोड़ा लेट हो चुका हूँ, बाद में मिलता हूँ। एक स्पेशल कंट्री की लड़की मेरे साथ है, हम दोनों एक साथ जाएंगे। ये देखो इसकी नौटंकी बहुत है भाई। कम फास्ट, वी आर गेटिंग लेट। भाई बाद में बढ़ा दो वीडियो, ये वीडियो सारी मेरी है। ट्रेन निकल जाएगी। ओके 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 ओके, बिल्कुल पैरेलल करो, टेढ़ा नहीं रखना, ठीक है? ये सारा दिखा के ट्रेन निकल जाएगी। जल्दी करो ना, फिर एक 10 सेकंड की बनानी है सिर्फ इस तरह से। ये सारा एटमॉस्फेयर लेना है मुझे, थोड़ी देर मैं ले लूँगा अपने आप। नौटंकी, नौटंकी देखो भाई, खाली 15 मिनट रहेगी ट्रेन की। इसको सारा पोज लेना है रेलवे स्टेशन का। ओके बाय बाय, मैं जा रहा हूँ आईफोन लेके जा रहा हूँ मैं। ये सामने लिया वो टीडी जो भी है, ये लिखा हुआ है वो लोगो इस पे। ये है TCDD, तुर्किश रेलवे। पाकिस्तानी इज हेड एक। लाइन में रूल फॉलो कर, लाइन ना सीख ले कुछ। मोबाइल तो सीधा रखो, तो मेरी मेमोरी लॉस कर रहे हो। नहीं सीख ले कुछ, इतनी बड़ी लाइन है और लड़की सीधी जाके लग रही है। वाह, आदत नहीं है ना लाइनों में लगने की, तो हमें याद नहीं रहा था कि लाइन भी लगना होता है। रूल ब्रेक कर बंदे, बोलती है मैं पाकिस्तान की डोन हूं। इतनी लंबी लाइन, उधर देखो, पीछे आओ जल्दी आओ। तुमने मेरा मोबाइल टेढ़ा रखा हुआ है। क्या-क्या सिखाया बंदा ने? हां लाइन देख तेरे पीछे कितनी लंबी होगी। इतनी लंबी नहीं हुई, उनसे आगे ज्यादा लंबी है। कोई नहीं, निकल जाएंगे। जिंदगी में पहली बार पाकिस्तानी लड़की के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ। पाकिस्तानी बंदे मुझे बहुत मिले हैं भाई, पर लड़की फर्स्ट टाइम मिली है, और ये खुद को लेडी डॉन बताती है, लेडी गागा। ये सामने बग्गी चेक कर रहे हैं भाई, और बोलते हैं पाकिस्तान वालों का दो बार चेक करेंगे। कुछ भी मतलब मेरा भी तो रिव्यू लेते हैं। बोलो रिव्यू दो। हाँ क्या रिव्यू दूँ, पागलों को क्या रिव्यू दूँ। इंटेलिजेंट। बैग रख दो अपना। सच में रोक लिया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ओके सच में रोक लिया, बहुत टाइम लगा दिया भाई। एक जानकारी देता हूँ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कैमरा साफ करता हूँ, थोड़ा ख़राब लग रहा है। जो भी बंदा लगेज लेके आएगा, लगेज के लिए कितने पे किए? 100 लीरा। आपको 100 लीरा एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और ये कहीं पे मेंशन नहीं करते हैं। जब आप लगेज लेके आओगे तो आपको रंगे हाथ पकड़ेंगे। हाँ, you have to pay 100 लीरा, और which is not अगर, mentioned anywhere, अगर, which is very wrong. अंग्रेजी सुन ली, अब मेरी सुन लो। अगर आप 100 लीरा पे नहीं करोगे, क्योंकि हमने कोशिश की भाई, हमने हमारी पूरी ट्राई की, 100 लीरा अगर आप नहीं पे करोगे तो आप रोक लिए जाओगे, आपको जाने नहीं देंगे। खाली 3-4 मिनट रही थी। दिस इज नॉट अबाउट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये सिटी टू सिटी जो मेट्रो स्टेशन है उसकी बात हो रही है। मैंने इनको बता दिया, मेरी ऑडियंस समझदार है, इस्तानबुल टू अंकारा जा रहे हैं। हाँ तो पहले बताएं ना, बेचारे समझदार तो हैं, उनको नहीं पता क्या। सही बात है, हम एयरपोर्ट से जा रहे हैं या हम ट्रेन से जा रहे हैं, ये बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा ट्रेन की स्पीड कितनी है, क्योंकि यहाँ ऊपर मीटर में लिखा रहा है भाई 31 की, है देखो 34 हो गया और अब 37 हो गया। अब किस टाइम चली ट्रेन? हाँ ट्रेन चली है 1:55 पे, और कितनी देर में पहुँचेगी वो आपको मैं वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा। पाकिस्तानियों से मिल लो, ये लोग बड़े दुर्लभ हैं हमारे लिए। दुर्लभ मतलब? दुर्लभ।
मतलब ढूंढने मुश्किल है, ढूंढने मुश्किल है इंडियन के लिए, नायाब तभी रोक क्या मैंने बोला था ना बगेज प्रॉब्लम करेगा, सिक्योरिटी पे की या नहीं की, पर आखिर में रोक के भाई लगेज पाकिस्तान से आया ना, रोकेंगे अब पाकिस्तान वाले नीचे। और तुम खौफ के मारे लेके ही नहीं आए? नहीं मैं लाइट वेट ट्रैवलर हूं। हम तो भी लेकर आए हैं ना भाई, मुझे आप तो कोई सामान अपने साथ रखा ही नहीं कि पकड़े ही जाएंगे भाई, मुझे चूड़ी बिंदी थोड़ी लेके चलनी है लाइट वेट है ना। क्वेटा क्या क्रोटे क्वेटा पाकिस्तानियों से मिलने के फायदे हैं भैया, अखरोट। एक मिनट रुको, मुझे पता होता है अखरोट की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। तेल तो है भाई, तेल है पर कितना नहीं है, तेल कम है। ले पकड़े इनको, थैंक यू। मतलब मेरा हाथ कच रहा है, हद हो गई। पूरा पाकिस्तान इंडिया की भी हम देखते रहते हैं, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। इंडिया अच्छा है, बहुत आगे गए। बताओ कितना अच्छा है। आज तो पड़ोसन बादाम खिला रही है पाकिस्तानी पड़ोसन। ये भी क्वेटा ये इससे बनाओ उसको ऑफ करो। सही है क्या भून रखे गए, साल्टी साल्टी है। हाँ ये भुने हुए हैं। सही है, नमक के अंदर भुने हुए हैं। पाकिस्तानियों के साथ है, लंच चल रहा है भाई। तरातुर खा रही है बंदी, तरातुर भाई दही है इसके अंदर, गाजर है, तुर्किश मसाले हैं और ऑलिव ऑयल डाल के बनाया गया है। ले ले नॉलेज टेस्टी है ना भाई, ये जानबूझ के नहीं बुलवा रहा, अपने आप बता रही है। नहीं टेस्टी है ये, तुमने खुद तो नहीं बनाया ना? नहीं खुद नहीं बनाया। हाँ तो फिर किस बात की, किस बात की मतलब किस बात की तारीफ भूखे को खाना मिलते खाले खाले शर्मा मत बाकी ट्रेन अच्छी है भाई इनकी, मतलब सुविधा है, पर अगर इतनी स्लो हमारी ट्रेन चले ना तो हम गवर्नमेंट को गालियां दें, पर ये देखें कितने सुकून से बैठे हैं सब। तभी हमारी ट्रेन ऐसी नहीं है, बहुत स्लो चल रही है। नज़ारे देखना, तुर्की ज़्यादा माउंटेन है, प्लेन एरिया बहुत कम है। नज़ारों के चक्कर में तो हम एयरप्लेन छोड़कर ट्रेन में बैठे हैं। क्या छोड़ के, एयरप्लेन टिकट बाय एयर नहीं गए ना? अच्छा अच्छा जैसे ही सुरंग आई भाई बिल्कुल अंधेरा हो गया था ना। क्या बताया, क्या इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन ये है अंधेरा होने के बाद इसकी सर डार्क हो गया था और ये अपना चेहरा देख रही थी मेरा ख्याल और ज़हन भी उस तरफ नहीं गया। चाय बेचने वाले आगे भाई पेड़ है भाई, ये देखो लोग अपनी जेबों से पैसे निकालने लग गए। ये वॉल्यूम का बटन है ठीक है, हाँ ठीक हो गया। ये चैनल बदलने का है तो फिर सीट कहाँ से बदलेंगे? यहाँ पे छोड़ो, मेट्रो का व्यू दिखाता हूँ भाई। ये देखो ऑटोमेटिक गेट है, एक कदम आगे रखूंगा ना तो खुल जाएगा। ये देखो काफी एडवांस मेट्रो है और स्पीड 200 के करीब 250 करीब है भाई। क्रॉस स्पीड दिखाता हूँ आपको, पहले नहीं लग रही थी इतनी स्पीड होगी पर अब 250 है। ये देखो 250 भाई, फास्ट है भाई मेट्रो काफ़ी। शुरू में फास्ट नहीं लग रही थी, अब फास्ट लग रही है काफ़ी। टॉयलेट और दिखाता हूँ, दिखाने की चीज़ तो नहीं है पर सफाई इतनी है भाई इनमें। ये देखो कोई स्मेल बदबू कुछ नहीं आ रही,
और ये तुम्हारा भाई खड़ा है भाई। ये देखो भाई टेबल से हैं कहीं कहीं पे, बाकी सीटिंग है ट्रेन, एसी की सुविधा है अच्छे वाली। स्टेशन है ये इश्के शहर, यहाँ लोग उतर रहे हैं। खुल जा सिम खुल गया भाई। आगे यहाँ कैंटीन भी है, आपको खाने पीने का सारा सामान मिलेगा। सारा तो क्या, बस नॉर्मल सामान जो होता है। ये है भाई कैंटीन, खाना पीना फ्री, यहाँ पे फ्री नहीं है, पेड़ है, मजाक कर रहा हूँ। खाने पीने के पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये बिजनेस क्लास है, देखो बिजनेस क्लास कितनी अच्छी है। 7:25 का टाइम था भाई, 7:36 पूछिए, देखो 11 मिनट लेट है, लेट नहीं है ज़्यादा ना, 11 मिनट है। ये सो के भी उठ गई, सो ली रहा एक्स्ट्रा पे करके नींद काट दी ने। अंकारा ट्रेन से उतर चुके हैं भाई, और ट्रेन का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, ट्रेन मुझे अच्छी लगी। फिलहाल हूँ मैं अंकारा रेलवे स्टेशन पे, और क्या रेलवे स्टेशन है भाई, गजब का एयरपोर्ट वाली लुक है, मज़ा आ गया है। देखो और ये देखो, ये पाकिस्तानी वीडियो शूट कर रही है, क्यों अपने होटल क्यों चली जा। हाँ चलो अब जाने का टाइम है। बट बहुत अच्छा रहा आपके साथ सफर, आप हमारे बहुत अच्छे दुश्मन हैं। और अब मैं और ये कुछ तो नहीं कह सकती हूँ कि हम के ऊपर प्राउड फील करते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। और कुछ बोल दे, बात खत्म, क्या कहें, जाने का वक्त है। ठीक है पहुंच जाओ, और मोहतरमा लाहौर से हैं, फीलिंग सैड। मोहतरमा लाहौर से हैं जहां कभी हमारा कब्जा हुआ करता था। ये खुशफहमी है, कब्जा हुआ करता था, कब कब्जा हुआ था, ऐसे इसको बातें खुद खुद छेड़ दी भाई मैंने, अब शुरू होगी खुद बातें आ जाती है, और फिर इसकी आँख नहीं खुलती, ख्वाब देखते रहता है, कभी ख्वाब में लाहौर पे कब्जा, कभी बहावलपुर पे कब्जा, पता नहीं कहाँ कहाँ कब्जा करता रहता है। अच्छा तुझे सब नाम याद है, मुझे तो पता भी नहीं था हमारा यहाँ कब्जा था। ठीक है निकल जा, तेरा एग्जिट इस साइड है और मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है ओके ओके, बाय 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 बोल दिया भाई इसको। कल की फ्लाइट है मेरी अबू धाबी की, और ये यहाँ रुकेगी मेरे हिसाब से 2-3 दिन। कल की फ्लाइट है मेरी अबू धाबी की, कल 10-11 बजे के करीब फ्लाइट है, तो सुबह जल्दी उठ के चेकआउट करके फिर निकलता हूँ मैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं, आपको मिलते हैं फिर कल सुबह। कैमरा फिर से ऑन किया भाई ये बताने के लिए कोई बंदा सीरियस ना ले जाए, इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा है यार, ये मीडिया का मुद्दा है, आम बंदों का मुद्दा नहीं है, हम तो बस मजाक करते आ रहे हैं शुरू से ही। और अब अंकारा स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ मैं, अब बोलता हूँ आपको बाय बाय, समझ में आ गई। जय भारत अंकारा से।